हेलो बच्चों आज हम क्लास फर्स्ट के सब्जेक्ट मैथ का लेसन नंबर सेवन पढ़ेंगे लेसन नेम है हम हाँ, मेजरमेंट मेजरमेंट का मीन्स होता है मापन किसी भी चीज़ को किस तरीके से हम मेज़र कर सकते हैं इस चैप्टर में हम इस चीज़ को देखेंगे कि कोई भी चीज़ हम कैसे मेज़र करेंगे उसको कैसे मापेंगे कि यह कितना बड़ा है कितना छोटा है कितना लंबा है ओके दिया एंड आरव आर प्लेंग विद दियार ट्वाइस जो दिया, तो दिया आरव हैं ये अपने ट्वाइस से खेल रहे हैं यहाँ पे इस गर्ल का नाम रिया है और इसका नाम आरव है इसके बाद बहुत सारे ट्वाइस हैं देखो ये कार है ये बस है ये फुटबॉल है ये छोटी वाली बॉल है ये बड़ी फुटबॉल है ये एक टैडी है ये ट्रेन है ये ट्रेन का पूरा ट्रैक है तो कितने सारी टॉयज हैं इनसे ये लोग खेल रहे हैं नेक्स्ट है हमारा टिक द ऑब्जेक्ट विच इज़ हैवियर इन दोनों ऑब्जेक्ट में से जो भी हैवियर होगा बॉल हैवियर होगी या फुटबॉल तो फुटबॉल पे हमने टिक किया है सेकेंड है विच इज़ लॉन्गर तो ट्रेन लंबी होती है बस इस पर भी टिक कर दिया हमने उसके बाद है ग्लास विच लेस वाटर तो इस वाले ग्लास में लेस वाटर है तो इसको टिक किया है आपको भी इसी वाले ग्लास को टिक करना है इसके बाद है हमारा मीजरिंग लेंथ लेंथ को कैसे मीजर करती है हम द वर्ड टेल शॉर्ट एंड लॉन्ग टेल्स अस अबाउट द हाइट एंड लेंथ ऑफ समवन और समथिंग जो वर्ड होते हैं टैल हुआ शॉर्ट हुआ लॉन्ग हुआ ये हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट और उसकी लेंथ के बारे में बताते हैं यूजिंग बॉडी पार्ट्स टू मीजर लेंथ अपने किस तरीके से अपनी बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट uh, की लेंथ को मेज़र कर सकते हैं लॉन्ग एंगो हो पहले टाइम में क्या होता था वी विल यूज़ पार्ट ऑफ दियर बॉडी टू मेजर लेंथ लोग क्या करते थे अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते थे थिंग्स को मेजर करने के लिए जैसे फिंगर हुआ हैंड स्पेन हुआ क्यूबेट्स हुआ फीट हुआ पेस हुआ वेयर कॉमनली यूज करते थे वन हैंड स्पेन ठीक है ना इसको बोलते हैं वन हैंड स्पेन इस तरीके से मापने को यहाँ से इस उंगली से इस उंगली तक की ये वन फिंगर ये वन पाम इधर से इधर तक ये वन क्यूबेट पूरे अपने यहाँ तक की लेंथ हैंड के इसके बाद नेक्स्ट है वन फुट और फुट स्पेन एक पूरा फोटा वन पेस इधर से इधर तक की डिस्टेंस को वन पेस बोलते हैं मीजोर इन डेक्स एंड क्यूबिट्स में अगर हम अपनी डेक्स को देखें तो अप्रोक्स वो सिक्स क्यूबिट आए, आएगी क्यूबिट्स आएगी मीज़ोर डेक्स एंड हैंड स्पेन से अगर करें तो वो सेवन हैंड स्पेन आएगा अगर पेंसिल को फिंगर से करें तो फिंग वो कितना आएगा थ्री फिंगर्स आएंगी आप लोग भी अपनी ऐसी डेक्स को और पेंसिल को अपनी बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके मेजर कर सकती हैं फिलिंग ब्लैंक्स को फिल करना है योर बोर्ड इज बोर्ड कितने का होता है अप्रोक्स फोर क्यूबिट्स का होता है डेस्क सिक्स हैंड स्पेन लॉन्ग होती है क्लास रूम ट्वेल्व फुट स्पेन लॉन्ग होता है अप्रोक्स टिफिन बॉक्स थ्री फिंगर्स लॉन्ग होता है और प्ले ग्राउंड ऑफ रे स्कूल इज फिफ्टीन स्पेसिस लॉन्ग होता है नेक्स्ट है हमारा कंपेयरिंग लेंथ बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट हमें ऑब्जेक्ट का यूज करके लेंथ को कंपेयर करना है तो ऐसे वी कैन कंपेयर लेंथ बाय कीपिंग टू ऑब्जेक्ट साइड बाय साइड हमने दो पेन से रख दी आपको दिख रही होगी ये लेंथ इसकी ज़्यादा इसकी लेंथ कम है दिस इज बिन्नी बुक यह बिन्नी की बुक है बिन्नी बुक सिक्स है देखो सिक्स इरीजर रखी है तो सिक्स इरीजर लॉन्ग है बिन... विन्नी बुक इस फाइव इरेजर लॉन्ग इसकी विन्नी इसकी बुक आप देख सकते हो फाइव इरेजर लॉन्ग है इस तरीके से हम इरेजर से नाप के हमने बुक की लेंथ तो बता दी है इसी तरीके से आपको भी ये बताना है हाउ लॉन्ग आर दिस एंड राइट तो हमें बताना है कि कौन कितने लेंथ का है तो फोर क्रियॉन्स है वन टू थ्री फोर तो ये टूथब्रश कितने अबाउट फोर क्रियॉन्स वन टू थ्री फोर फाइव तो ये स्केल कितने का है फाइव क्रियॉन्स का है स्पून कितनी है टू टू फाइव फाइव क्रियॉन्स होना चाहिए इधर ठीक है ना टू टू सिक्स तो ये कितना होना चाहिए सिक्स क्रियॉन्स का ब्रश होना चाहिए ओके okay? नेक्स्ट है हमारा मीज़रिंग वेट वेट को कैसे मीजर करेंगे रोहित स्कूल बैग इज़ हैवी रोहित का स्कूल बैग बहुत ज़्यादा हैवी है जितिन जितिन स्कूल बैग इज़ लाइट और जितिन का स्कूल बैग लाइट है इसलिए हम क्या कह सकते हैं रोहित सो रोहित बैग इज हैवियर देन जतिन बैग हम बोल सकते हैं कि रोहित का बैग भारी है जतिन बैग जितिन के बैग के कंपेरिंग में इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सोनल इज लाइट एंड रानी इज है सोनी कैसी है लाइट है और रानी कैसी हैवी है सोनी इज लाइटर देन रानी इसलिए हम कह सकते हैं सोनी इज लाइटर देन रानी दर्ड हैवी लाइट टर्ल्स बेट जो हैवी और लाइट होते हैं ये हमें किसी भी थिंग्स या किसी भी पर्सन के वेट के बारे में बताते हैं सेकेंड हमारा सर्कल द yeah. लाइट ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द हैवियर ऑब्जेक्ट पे लाइट ऑब्जेक्ट पे सर्कल करना है हैवियर पे क्रॉस करना है तो ये हेवियर इस पर क्रॉस कर दिया इसमें ये हैवियर इस पर क्रॉस कर दिया इसमें ये हैवियर इस पर क्रॉस कर दिया इसमें ये वेरियर हैवियर है इस पर क्रॉस कर दिया इस तरीके से आपको करना है इन पे सर्कल कर लेना है ऐसे इस पर सर्कल कर देना इस पर सर्कल कर देना ओके नेक्स्ट है, है हमारा फाइंडिंग वेट वेट को कैसे फाइंड करेंगे लुक एट द पिक्चर मैथ बुक हैवी वेट एज मच एज टू ब्लॉक्स तो वह ये बुक रखी है इसका वेट कितना है टू ब्लॉक्स के बराबर है हाउ मैनी बॉक्स टच ईच वेट इनके कहते हैं एन एप्पल वेट एज मच एज वन ब्लॉक एप्पल का वेट कितना है वन ब्लॉक के बराबर है शुगर पैकेट का वेट कितना है टू फोर थ्री सेवन सेवन ब्लॉक्स के बराबर है नेक्स्ट है हमारा लंच बॉक्स कितने बॉक्स के बराबर है फोर फोर ब्लॉक्स के बराबर फ़ोर कर लो आप इसको कितने फोर फोर के बराबर है ओके okay? कितने ब्लॉक्स के बराबर है फोर के और वाटर मिलन कितने के बराबर है तो नाइन ब्लॉक्स के ओके इसको सही कर लेना ये कितना है सिक्स नहीं four है इधर फोर है फोर ब्लॉक्स के बराबर है इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मीजरिंग कैपेसिटी कैपेसिटी को कैसे मीजर करेंगे कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड कैपेसिटी क्या होती है किसी भी लिक्विड की ऐसी क्वांटिटी होती है जो भी उस कंटेनर उसको अपने हिसाब रख सकता है बकेट हैज मोर कैपेसिटी दैनामक बकेट बड़ी होती है मग छोटा होता है बकेट में ज़्यादा पानी बनेगा मग में थोड़ा सा पानी बनेगा तो क्या बोल सकते हैं हम इसको कि बकेट की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है मग की कैपेसिटी से दिस बकेट इज फिल्ड विद वाटर या बकेट वाटर से भरी हुई है दिख रही है आपको दिस मग इज फिल्ड विद वाटर ये मग भी वाटर से भरा हुआ है तो हम क्या कह सकते हैं कि द बकेट होल्ड्स मोर वाटर देन द मग जो बकेट है हमारी वो उसमें मोर वाटर है मग की कंपेयरिंग में इसके बाद नेक्स्ट में हम चलेंगे जैसे है दिस ग्लास इस फिल्ड विद वाटर ये ग्लास वाटर से फिल है दिस जग इस फिल्ड विद मिल्क सॉरी मिल्क से फिल है दिस जग इस फिल्ड विद मिल्क ये जग भी मिल्क से फिल है द ग्लास होल्ड लेस मिल्क डें जग तो ग्लास में कम मिल्क बनेगा तो कह सकते हैं हम कि ग्लास में कम मिल्क है जग की कंपेयरिंग में इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पुट आर ट्रू ऑन द कंटेनर दैट हुट मोर जो ज़्यादा जो भी कंटेनर ज़्यादा कैपेसिटी होल्ड करेगा उस पर हमें टिक करना है तो इधर ये ड्रम ज़्यादा कंटेन करेगा बकेट कम करेगी इधर ये ज़्यादा होल्ड करेगा ग्लास कम होल्ड करेगा इस तरीके से हमें इनको फिल करना है नेक्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट आंसर फर्स्ट है द स्केलेस स्केल में कितने क्रेन्स थे कितने वन टू थ्री फोर फाइव क्रेन्स लॉन्ग है विच बॉडी पार्ट फॉलोइंग यूज टू मीजर लेंथ मीजर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हैंड का इज द क्वान्टिटी ऑफ लिक्विड दैट कंटेनर होल्ड तो कैपेसिटी ऐसी क्वान्टिटी होती है इधर आपको लिखना है कैपेसिटी ये लिखा है लास्ट में इज द क्वान्टिटी ऑफ होल्ड लिक्विड दैट कंटेनर कैन होल्ड सेकेंड है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकेंड है इसको हमें फ़िल करना है टेक द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है हमारा इज़ाइय क्या है एक ट्रायंगल है क्योंकि इसकी फर्स्ट सेकेंड थ्री थ्री साइड में थ्री साइड्स वाले को ट्राइंगल बोलते हैं तो ये क्या है ट्रायंगल फोर टेन सिक्स वन तो कितना हो गया फोर्टी सिक्स हो गया क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं फोर हु इज़ हेवियर तो एलिफेंट सबसे ज़्यादा हैवी होता है डियर से भी मंकी से भी विच इज़ लॉन्गेस्ट तो ट्रेंग सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होती है इस तरीके से हम अपने टिक द करेक्ट ऑप्शन को फिल करेंगे इसके बाद बी क्वेश्चन है मैं टिक द सॉलिड दैट कैन रोल क्रॉस द सॉलिड दैट कैन स्लाइड ऐसे को हमें जो रोल होते हैं उनको टिक करना है ऐसे बॉल रोल होती है तो टिक और आई समाई स्लाइड होती है तो क्रॉस जो हमारा लकड़ी का जो गट्ठा होता है वो रोल होता है तो टिक और जो ब्रेड की स्लाइस होती है उसको क्रॉस फिर थर्ड है राइट ट्रू फो ट्री टी एंड फोर एफ ओ फॉल्स द मून लाइक लुक्स लाइक अ स्क्वायर मून स्क्वायर की तरह दिखता है नहीं तो ये फॉल्स होगा मून कैसा दिखता है मून सर्कल की तरह दिखता है सेकेंड है दिस बुक इज एग्जाम्पल ऑफ क्यूवन ये बुक है ये क्यूवर की एग्जाम्पल है तो होगा ट्रू नंबर्स नेम फॉर थर्टी थर्टी एट ट्रू है द बकेट हैज लेस कैपिटल देन द मक फॉल्स बकेट की कैपेसिटी तो ज़्यादा होती है मग से ट्वेंटी नाइन सेम एज ट्वेंटी नाइन तो ऐसे लिखे जाता है इधर तो ये लोग थर्टी नाइन लिखे तो ये भी फॉल्स होगा इस पूरे असेसमेंट को आप लोग को अपनी फेयर नोटबुक से कम्प्लीट करना है थैंक यू अच्छे से चैप्टर को रीड करना है